समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। मेदांता अस्पताल के क्रिटिकल केयर यूनिट में उनका इलाज चल रहा था। मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव हों या उनके भाई शिवपाल यादव और चचेरे भाई राम गोपाल यादव, सभी उनकी तीमारदारी में लगे होने के साथ उनके ठीक होने की प्रार्थना कर रहे थे। पहलवानी करने वाले और फिर उसके बाद टीचिंग पेशे में आने वाले मुलायम सिंह ने जीवन में हर धूप छांव देखी है। कई दलों में रहे, कई बड़े नेताओं की शागिर्दगी भी की, लेकिन उसके बाद अपना दल बनाया और यूपी पर एक दो बार नहीं बल्कि 3 बार राज किया। यूपी की सियासत में भूचाल लाने वाले मुलायम सिंह का जन्म यूपी के टावा के सैफई गांव में 22 नवंबर 1939 को एक साधारण परिवार में हुआ था। मुलायम सिंह यादव राजनीति में आने से पहले शिक्षक थे, जो मैनपुरी के जैन इंटर कॉलेज करहल प्रवक्ता के पद पर कार्यरत थे। एक साधारण परिवार में जन्मे मुलायम सिंह की शुरुआती जिंदगी मुश्किलों से भरी थी, पर चुनौतियों से निपटना उन्हें अच्छी तरह आता था। वैसे तो पेशे से वे एक शिक्षक थे, लेकिन शिक्षा का काम छोड़कर वो राजनीति में आए और आगे चलकर समाजवादी पार्टी बनाई। साल 1967 में 28 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर पहली बार जसवंत नगर क्षेत्र से विधानसभा सदस्य चुने गए और साल 1977 में पहली बार राज्य मंत्री बनाए गए। 1980 में वे यूपी के लोक दल के अध्यक्ष भी बनाए गए थे। लोहिया आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले मुलायम सिंह यादव ने 4 अक्टूबर 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी, लेकिन यूपी की सियासत में एक अलग रोशनी देने वाला सूर्य आज अस्त हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया हेड।